गोर की पत्थर की रे मारे उड़ी उड़ी सैया समर कारे मारे गुल तोरी नजरिया जिया में घड़ी घड़ी जा गोरिया मारे गजब सुसकारी गोरिया खेतवा के आरी रसल के गोरिया रे तो से निपट के मैना मरी मरी जा मारे गुल मारे गुल जियरा उड़ी उड़ी जा सैया समर कारे तोरी नजरिया जिया में घड़ी घड़ी जा सुन मोर सजन रे तो से निपट के मैना मरे मरी जा पत्थर की रे मारे गुल लवा दियरा उड़ी उड़ी जा याद नहीं उसके सिवा कोई बात नहीं उन जुल्फों की छाओ में उन गहरी निगाहों में उन कातिल लताओं में हुआ 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 मैं मस्त हे मस्त हे मस्त मैं मस्त Bye.
जुल्फों की छाओ में, उन गहरी निगाहों में, उनका दिल अदाओं में हुआ 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 मैं मस्त, हे मस्त, हे मस्त, मैं मस्त। उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा कोई बात नहीं, उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा कोई बात नहीं, उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा कोई बात नहीं, उसके सिवा कुछ याद नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर ना? पता है मालिका, तुम्हारी हर तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम और खूबसूरत नहीं लग सकती, लेकिन हर बार शायद यही वजह है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। मॉर्निंग 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 किट्टू। हाय मॉम, नाश्ता तैयार है? 5 मिनट रुक जा, अभी तैयार करती हूं। अच्छा मॉम, गोइंग रेडी, मैं जा रहा हूं। एए! 5 मिनट नहीं रुक सकते तुम, रुक जाओ ना। मॉम मुझे लेट हो रहा है, प्लीज प्लीज मैं जाता हूँ। ओके बाय। खाली पेट नहीं जाना चाहिए, 5 मिनट चुपचाप रुक जा। अच्छा मॉम, मैं आपको सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ। आई एम गेटिंग वेरी लेट यू नो। तो तुम ऑर्डर कर रहे हो मुझे? नहीं ऑर्डर नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि लेट हो रहा था ना। अच्छा मॉम, मैंने सुना है गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वो तो होती है, होती है ना, तो मैं गाजर खा लेता हूँ। ओके बाय। हीरो, टिकट चाहिए क्या? टिकट तो मेरे पास भी है, ये देखो, ये आज का, कल का, परसों का और ये मंडे का। ए, शाने, हमारे इलाके में धंधा करता है, अबे बहुत मार पड़ेगी तेरे को। अरे नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे, ये सारे टिकट मेरे ही है और सारे शो मैं ही रोज देखने वाला हूँ। पागल है ये तो। हाँ तुम सामने वाले सीट पे बैठ जाओ। हाँ उधर। एक्सक्यूज मी। हाँ तुम्हारा क्या है? हाँ तुम्हारा छठा सीट पे जाए। भाई साहब ये देखिए। तुम वो चौथा वाला सीट पे जाओ। और उसके बाजू में है ना? हाँ लड़की के बाजू में, कोना पकड़ ले, चल। दिखता नहीं क्या? सॉरी 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 सॉरी। ए! सॉरी अंकल। अंकल? क्या मैं तुझे अंकल नजर आता हूँ? भाई बोल भाई, समझे ना भाई। अच्छा अच्छा सॉरी मेरे भाई। अरे भाई साहब ये Q70 तो मेरा सीट नंबर है, आप शायद मेरी सीट पर बैठे हुए हैं। ओ भाई साहब, ऐसा टिकट मेरे पास भी है और ये सीट मेरी है, समझा ना। लेकिन भाई साहब Q70 तो मेरी सीट पर लिखा हुआ है, प्लीज आई मीन। ये डफर, एक तो बाहर की सर्दी गर्मी से तंग आकर मैं इस थिएटर में आया हूँ ताकि मैं 3 घंटे AC में बैठकर चैन की हवा खा सकूं और एक पिक्चर देख सकूं। अब मेरा दिमाग खराब किया तो चल निकल यहां से। हां ये ये ये। अरे ओ भाई साहब चलिए, उठिए उठिए उठिए, औकात मेरे यहाँ, एक फाइट मारूंगा ना 1.5 फुट कम हो जाएगा और थिएटर की बजाय सर्कस में नजर आएगा, समझे ना। पिक्चर देखने दे अभी। वोट 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 वोट। क्या है क्या है क्या? अरे भाई साहब लेकिन ये सीट पे मोड़ दो, बैठ रहा है ये, चले चुप रे। अरे रुकिए रुकिए, ए हटेले वहां से टॉर्च दिखाकर तू तो मेरे को लार बिठा है, बोले सीट आपकी, आप बोलता है उसकी है, पिक्चर देखने का दिमाग खराब, ए चुप रे। हां हां अरे भाई टिकट निकालो, टिकट टिकट निकाल निकाल, ये ले टिकट, पता नहीं क्या स्टाफ रखा है। देखा? अरे भाई साहब ये ओ है यार, लगता है क्यों जैसा
अबे ढक्कन, जब ओ क्यों लग सकता है तो हो सकता है क्यों ओ लगे, हो सकता है इसकी टिकट गलत हो। अच्छा एक मिनट, टेंशन क्यों दे रहे हो, पिक्चर देखने दो यार तुम लोग। ये जो ओ का टिकट है ये मुझे दीजिए, मैं जा रहा हूँ, प्लीज। चल जा जा जा। अबे कम में जैसे खड़े बैठना रे, ये चुप ना, ये पाछे से क्या आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक एक को तोड़ के रख दूंगा। Oh!
चले आते हैं मलिका, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी जब तुम शाहरुख के साथ गार्डन में बैठी हुई थी, और वो पिंक ड्रेस तुम पर तो हर चीज अच्छी लगती है, जैसे कि तुम्हारे लिए बनाई गई हो। बहुत मन चाह कि मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकूं, लेकिन हर इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती ना। लेकिन मैं सपने तो देख सकता हूँ ना, वो सपने जिनमें सिर्फ तुम हो। कौन? क्या बात है भैया, दीवारों से बातें कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? मलिका से बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बेचारी को कुछ पुचकाने वाला भी तो चाहिए, क्या करे, पहली नजर में इतना बड़ा बैजन निकला। ए, तुझसे किसने कहा? हाँ, सारी दुनिया बोल रही है। भैया, आप पर क्या बीती होगी ना, जब सारे लोग इंटरव्यू में उठ के चले गए। दीएन तक कोई नहीं ला। हिलसा भी कैसे, सबको इतना बड़ा शौक चल लगा था कि ऐसी फ्लॉप फिल्म देखने आ गए। ए, फिल्म के बारे में कुछ मत कहना, ये फिल्म तो है ना सुपर डुपर हिट होगी। मलिका जब पहली बार पर्दे पर आती है तब टमाटर और अंडों की बरसात होती है ना। इन्हें की खबरदार, अभी जो फिल्म के बारे में कुछ कहा, हाँ बहुत हो गया अभी तेरा। एक बार नहीं हजार बार बोलूंगी, फ्लॉप है, कचरा है, सड़ा हुआ है, थर्ड क्लास है, सॉरी फोर्थ क्लास है। तेरी तो अब तो जाग रहे, क्यों? मुझे क्या पता, तुम्हें बुलाने भेजा था, जाओ। मुझे पहली नजर में फिल्म डब्बा हो गई। आउच, स्टूपिड। क्या है ये? मार्कशीट। शुक्र है तुम मार्कशीट को पहचान तो सकते हो। क्या लिखा इसमें? मार्क्स। कौन से मार्क्स? हिस्ट्री। कितना? 25। फिलॉसफी? 19। लॉजिक? चलो चलो आगे बढ़ो, मार्कशीट पर आगे बढ़ो। 22। इकोनॉमिक्स 1, साइकोलॉजी 1। पापा, पोएट्री 60, फर्स्ट क्लास। पोएट्री 60, फर्स्ट क्लास। तो क्या तुम खादी के कपड़े पहन के, कंधे पे झोला लटका के, दाढ़ी बढ़ा के किसी नदी के किनारे बैठ के कागज काले करोगे? यही है तुम्हारी जिंदगी का मकसद? जब देखो अयाशी और आवारागर्दी। साहेबजादे कहाँ गए हैं? सिनेमा थिएटर में। कहाँ से आ रहे? पिक्चर हॉल से। कहाँ मिलेंगे? सिनेमा घर में। देखो किट्टू, सिनेमा वाले फिल्म्स बनाते हैं, सपने बेचते हैं, क्योंकि वो उनका पेशा है। करोड़ों में कमाते हैं, अलीशान बंगलोज में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और बेवकूफ लोग ये सपने खरीदते हैं, और उस कतार में सबसे आगे तुम हो। अब एक बात सुनो, आज के बाद घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, समझे? क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब क्या?
इतना मुंह लटका हुआ है, क्या हुआ बोल? यार सुबह सुबह पापा ने भाषण दे दिया और क्या? मार्क्स। अच्छा मैंने कल सवेरे फोन किया था, कहाँ थे तुम? हाँ वो मलिका की नई फिल्म रिलीज हुई पहली नजर में प्यार हो गया, मैं वहीं था। दोपहर में भी किया था फोन? तभी मैं वहीं था। हाँ? चारों के चारों शो देख डाले मैंने। कैसी है फिल्म? सुपर सुपर हिट। लेकिन मैंने कुछ सुना कि कहानी में गड़बड़ है। अच्छा? हाँ। अच्छा मतलब क्या, चार शो देखे ना? हाँ चारों के चारों देख लिए, लेकिन कहानी पे इतना ध्यान कौन देने वाला है? मैं तो मलिका को देख रहा था। पता है निशा, जब भी मैं मलिका को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाय निशा। अरे क्या हुआ? पैसे झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा करने के लिए निकी, वक्त मिलना चाहिए वक्त। लेकिन तुम्हारे भैया के पास तो मल्लिका के सिवाय किसी के लिए वक्त ही नहीं होता है ना? आज तो उसने हद कर दी, मल्लिका के नाम पे एक पूरा गाना गा दिया। Can you believe it? Your brother has gone mad, completely and totally mad. Excuse me, ma'am. Come here, come here, come here. पागल मेरा भाई नहीं, पागल तू है, समझी ना? इतना सब कुछ मेरे सामने पै 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 करके बोल जाती है। यही अगर भैया के सामने बोलती तो क्या होता? लेकिन तू क्यों बोलेगी? तू नहीं बोलेगी, मुझे पता है तू नहीं बोलेगी, क्योंकि तू एक नंबर की डरपोक है। डरपोक नंबर वन। मैं डरपोक हूँ? यस मैं डरपोक हूँ। यस यस यू आर डरपोक, डरपोक नंबर वन। नहीं मैं डरपोक हूँ। अच्छा बाबा ठहर ठहर ठहर, ओके डोंट क्राई। तो जाके बोल दे आई लव यू। देखा, मुझे मालूम था तू नहीं बोल सकती। आई चैलेंज यू, तू नहीं बोल सकती। बस मैं प्रैक्टिस करूंगी। आई विल प्रैक्टिस, आई विल प्रैक्टिस। प्लीज करिए। किट्टू आई लव यू। ओके Kittu, I love you. Okay. Kittu, I love you. Okay. Kittu, I love you. I love you too. Pehli nazar mein pehla pyar ho gaya. मेरे और तुम्हारे बीच की इस दूरी को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सुना है कि अगर कोई सच्चे दिल से कुछ चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मैं जानता नहीं हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, किसी भी चीज़ में इतनी सच्चाई नहीं हो सकती जितने तुमसे मिलने की मेरी ख्वाहिश में है। मलिका सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ प्लीज। Thank you.
भैया फिर मल्लिका से बातें। निकी पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मल्लिका आई थी। कौन मल्लिका? अरे क्या कौन मल्लिका, ये मल्लिका मेरी मल्लिका पोस्टर से बाहर आई थी, पोस्टर से। इधर इधर मैं तुम्हें सब समझाता हूं, इधर बैठ। पता है क्या हुआ? पहले मैं बेड पर उसके सामने बैठकर बातें कर रहा था ऐसे। मल्लिका एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पास आ जाओ। और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? फिर वो पोस्टर से बाहर आई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पोस्टर के अंदर खींच लिया। ओ गॉड, वो इतनी सुंदर लग रही थी, मैं तो बस देखते ही रह गया। और फिर पता है क्या हुआ? फिर वो नाचने लगी ऐसे, और फिर मैं भी उसके साथ नाचने लगा। ओ गॉड अमेजिंग। और फिर तू बीच में आ गई, पूरा सीन गड़बड़ कर दिया, पूरा सीन। अगली बार मत करना। पापा। क्या पापा? भैया पागल हो गए क्या? वो मल्लिका के साथ डांस कर रहे थे। मल्लिका? कौन मल्लिका? वही फिल्म स्टार। क्या फिल्म स्टार मल्लिका के साथ डांस कर रहा है? चुटकी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पापा ऐसा मैं नहीं, भैया कह रहे थे कि मल्लिका पोस्टर से बाहर आई, उनके साथ डांस किया और फिर पोस्टर के अंदर चली गई। What nonsense! किटो, किटो। जी पापा। कहाँ हो तुम? मैं आऊँ। मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम उस मल्लिका के साथ डांस कर रहे थे? जवाब दो। निकी, उसको मत देखो। मैं पूछता हूँ तुम मल्लिका के साथ डांस कर रहे थे कि नहीं? क्या हुआ? क्या क्या हुआ होगा? क्या ये लड़का पागल हो गया? और ये हमारी गलती है कि हमने इसके पागलपन को पहले रोका नहीं है। लेकिन आज के बाद मल्लिका की एक भी तस्वीर इस घर में नहीं रहेगी। That I promise। हट जाओ। पापा नहीं पापा। कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा नहीं पापा। ये क्या करें? इसने आपका क्या बिगाड़ा पापा? प्लीज। ये पापा ये क्या करें? ज़्यादा बढ़ गया। पापा ये मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा है लेकिन घर मेरा है। और यह वही होगा जो मैं चाहता हूँ। पापा नहीं पापा। प्लीज। क्या करें पापा? काम तस्वीरों से। हटाओ तस्वीरों से। पापा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तंग आ गए इस बकवास से। पागल हो गए हो तुम। पापा चलेंगे क्या? चलो। अरे भाई साहब मैं तो रिक्शे की बात कर रहा था, चलेंगे क्या? नहीं तो क्या, धूप में सूखने के लिए खड़ा है क्या? लेकिन एक मिनट, लगेज का 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन मेरे पास तो कोई लगेज नहीं है। बाहर गाँव से आया है ना? हाँ। घर से भाग के आया है? घर से भाग के तो नहीं, पर छोड़ के तो आया हूँ। छोकरी वोकरी का चक्कर है क्या? शर्माता क्या है बोलना, छोकरी वोकरी का चक्कर है क्या? क्या नाम है? मल्लिका। मल्लिका बैठ। हाँ किधर जाएगा? मल्लिका जी के घर। घर किधर है? तुम्हें मल्लिका जी का घर नहीं पता? अब गर्लफ्रेंड तेरी है, मेरे को कैसा घर मालूम होएगा? मल्लिका फिल्म स्टार मल्लिका, सुपर स्टार मल्लिका। क्या वो फिल्म में हीरोइन है वो मल्लिका? वो फिल्म स्टार मल्लिका?
हाँ उतर, नीचे उतर और सीधा ट्रेन पकड़ और गांव चले जा, जा। क्यों, क्या हुआ? अबे तेरी तरह हजारों लोग मुंबई में आ जाते यार, किसी को शाहरुख खान को देखने का, किसी को अमिताभ को, किसी को माधुरी दीक्षित को। अरे किसी किसी के लक अच्छे होते हैं कि शाहरुख का बाल दिख जाता है, अमिताभ की टांग दिख जाती है और माधुरी दीक्षित का वो दुपट्टा दिख जाता है। अबे मेरी तरह रिक्शा चलाना पड़ेगा यार, जा घर चले जा, जा। रिक्शा क्यों, क्या बताऊं तेरे को, पहले मैं नासिक में रहता था, श्रीदेवी की हिम्मत वाला देखी ना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सीधा हैदराबाद चले गया, एक महीना हैदराबाद में रहा, फिर मुझे पता चला वो तो मद्रास में रहती है, मैं सीधा मद्रास पहुंचा, फिर मुझे पता चला मेरा चांद का टुकड़ा मुंबई में शूटिंग कर रहा है, मैं धक्के खा खा के मुंबई पहुंचा, फिर क्या, उसके बंगले के बाहर, स्टूडियो के बाहर चक्कर काटे काटे, कभी उसका हाथ दिखता, कभी पैर, कभी बाल, एक दिन श्रीपुरी दिखी तो साथ में बोनी कपूर, सदमा सदमा। I'm sorry. रिक्शा आती ना तेरे को? क्यों? चलाना पड़ेगा भाई, नहीं तो घर चले जा, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे तो सिर्फ मलिका को देखना है, सिर्फ एक बार। I mean... अब मेरी लव स्टोरी तेरे को बता, बाद में भी तेरे को देखने का है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बार देखना है। फिर घर चले जाएगा ना? हाँ हाँ चल। वो देख आ गया तेरी गर्लफ्रेंड का घर। किधर जाता है? क्या ये मलिका जी का घर है? हाँ है। तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है, आइए आइए आइए। हाँ मल्लिका जी, क्या आगरे का ताजमहल है, टिकट कटवाए और चले आए देख ले, चल चल फुट 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 यहाँ से फुट। देखिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे तेरे जैसे बहुत फैन आते, चल भाग 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 यहाँ से। अंकल प्लीज एक बार। अंकल मैं अंकल लगता हूँ, मैं अंकल लगता हूँ, अंकल तेरा बाप। अरे चल फुट 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 यहाँ से फुट। ए, देखता क्या है, क्या देखता है, चल फुट फुट फुट। ये निकल गई ना हवा। ए, पहले इसका मंचा ठीक कर, थोबड़ा तो देख बच्चे का। बोल रहा है बाप, एकदम पिचकेला है। अरे पूरा 12 बजे ला है 12। ये अंकल बोल रहा तू उसको। ए, चिकू मात्रे, ये देख एक और आ गया मल्लिका का किंग बनने। क्या बोल रहा ये खरगोश, क्या नाम है तेरा? किट्टू। नाम भी खरगोश के जैसा ही है। हां कहां से आया तू? पुणे। क्या बात कर रहा, पुणे का तो मैं भी है। हेलो पुणे में किधर से आया? शनिवार पेट। ये शनिवार पेट, शनिवार पेट और कौन सा गली, कौन सा गली? पांडुरंग गली। पांडुरंग गली, पांडुरंग गली में तो ये गुल्ली डंडा खेल के बड़ा हुआ है। हाँ। गुल्ली डंडा, अरे पांडुरंग गली में किधर? वो हनुमान मंदिर है ना, वही मंदिर का जो हनुमान का है। हाँ। हाँ, उस मंदिर के पीछे वाले मकान में। खोली नंबर क्या तेरा? 203। हाँ? 203? अरे उधर तो मैं रहता है, तेरा तो 803 है। नहीं है मेरा भी नहीं है। हाँ? अरे देखता क्या फगले, सीने से लग ले, सीने से लग ले, सोच मत सारे चक्कर दिन का पोत ला, कलर नहीं लगेगा तिर न पोत के ला। अरे मुद्रा चल रहा है क्या उधर? चला वन में से पाव निकाल फटाफट और तुम लोग काम पे लगो। और तू क्या भंकस कर रहा है उधर? उस्मान भाई अपने नहीं, इसका लोचा वो मलिका से मिलने को आया है, अपन तो बस ऐसे जिधर जरा। मल्लिका को मिलने आया? इधर आ, इधर आ। मल्लिका को देखने को आया? देखा नहीं देखा, डंडा खाया? अब ये नहीं बोलना कि घर से भाग के आया। भाग के आया बेवकूफ, सिनेमा में हीरोइन का ठुमका देखा आ गए। अब ये बंबई में कहाँ रहने वाला है? कोई जान पहचान, कोई दोस्त का घर, कुछ आता पता?
नहीं आगे खाना खाया वो तो शक्ल से लगता है एक दाना भी नहीं खाया तपन एक बनमस का मर फटाफट देखिए मेरे पास पैसे नहीं है चलो यही एक बाकी था पैसा भी नहीं लाया या उस्मान भाई इधर से पैसा मांगा क्या हाँ चल खा ले रहने दीजिए मैं फोकट में नहीं खाता फोकट में नहीं खाता है घर से भाग क्या है पैसा भी नहीं लाया लेकिन खुददारी नहीं छोड़ा खा ले पैसा नहीं चाहिए रहने दीजिए मैं चलता हूँ अरे भाई खाए बिना यहाँ खुददारी भी नहीं टिकती खा ले देखिए आप अगर कुछ बोले तो मैं कुछ काम कर सकता हूँ अच्छा क्या काम कर सकता है तू काम तो कुछ नहीं आता लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ हाँ कोशिश हाँ I'm sorry. बेटे तू मेरा एक काम करेगा कोई काम मत कर प्लीज बेटे अरे उस्मान भाई बुरा लगा उस्मान भाई ने डांटा काम करने को मना किया बुरा लगा नहीं लगा ना लेकिन काम नहीं करना क्या है नुकसान हो जाएगा ना पहले देखने का समझने का फिर काम करने का ताजमहल होटल मालूम है ना मेरा नहीं लेकिन मेरा हो सकता था यह उस्मानाबाद का उस्मान टोपी एक जमाने में यह शहर में क्या नाम निकाला तेरे को मालूम है अरे ये शहर में मैं कैसा तरक्की किया ये उस्मान भाई सेठ बन के जब मैं निकलता था ना रोड पे तो मर्सिडीज गाड़ियां उस्मान भाई सेठ करके सलाम मारती थी उस्मान एक्सपोर्ट्स उस्मान रेडीमेड गारमेंट्स उस्मान कंस्ट्रक्शंस बहुत तरक्की किया फिर तकदीर ने यू टर्न मारा गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब यू टर्न मार के चला गया यहां तक कि मेरी फरीदा भी फरीदा मेरी बीवी चली गई छोड़ के हाथ में हेयर पिन रह गया वो भी यू बस एक होटल रह गया उसका नाम दे दिया होटल यू टर्न क्योंकि जिंदगी यू टर्न है समझा बेटे पता नहीं कब किसकी जिंदगी कौन सा टर्न मार देवे चलो अभी सो जाने का सुबह 5 बजे उठने का जी कस्टमर कोई नहीं होएगा लेकिन क्या है साफ सफाई के लिए उठना पड़ता है ना चलो क्या होटल है मेरा यहाँ कस्टमर से ज्यादा नौकर लोग है गुड नाइट चलते सब पतली गली से निकलते कोई भी काम नहीं आता छोटे जब दिन तेरे अच्छे आएंगे सब भागे भागे आएंगे बन जाएंगे तेरे चमचे छोटे सही बोल रहे भाई सही बोल रहे 100% सही बोल रहे सही बोल रहे अबे सुनो पिज्जा का होम डिलीवरी का ऑर्डर आया है कौन जाएगा किसके घर मल्लिका के घर पे जाएगा मैं जाएगा मजाक को चिंगम के माफी खींचने का नहीं कौन जाएगा जाएगा
क्या चाहिए? जी मैं पिज्जा। तुम पिज्जा? अजी मैंने वो सामने वाले होटल से पिज्जा का ऑर्डर दिया था। अच्छा क्या पूछो ना यार क्या हुआ, उनका दीदार क्या हुआ, सपने मेरे लाए हालाए, उसने कहा मैं तेरी हूँ जानम, पूछो ना यार क्या हुआ। ये सब हुआ कैसे? पिज्जा का लेके ऑर्डर, मैं गया बंगले के अंदर, मैंने टिंग टिंग बेल बजाई, फिर क्या होना था ए भाई, मेरे प्यार की खुशबू से वो खोलने दरवाजा आई, लड़ गई ये दोनों आंखें, थोड़ी शर्माई मुस्काई, उसके सीने में भी धक धक, मेरे सीने में भी धक धक, उसके सीने में भी धक धक, मेरे सीने में भी धक धक। रिकॉर्ड की तरह अटक रहा है यार, तेरा हमेशा का यही लोचा, इंटरेस्ट मिलाता है और अटका देता है। ओए साला, तेरे को मालूम अपने को कितना खुशी होता है, आगे बता। सेल्यूलर पे कॉल आया, उसने नोका बटन दबाया, टेलीफोन का वो रिसीवर रख दिया झट से उलट कर, होश था बेहोश भी था, मेरे दिल में जोश भी था, मैंने बोला मैं हूँ आशिक, तुमको चाहूँ बेतहाशा, मैंने उसका हाथ पकड़ कर कह दिया जो भी कहना था, मैंने उसका हाथ पकड़ कर कह दिया जो भी कहना था। के खजाने में एक मिनट उसने कुछ कहा कि नहीं है? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, हो गई हूँ मैं तुम्हारी, दिल तुम्हें मैंने दे डाला, मुझको दुनिया की नहीं परवाह, तुम हो मजनू मैं हूँ लैला, कौन हो तुम कहाँ से आए, तुमसे मैं ये ना पूछूंगी, तुम मिले सब कुछ मिला है, तुमको जीवन भर चाहूंगी। फिर कहा बातों में ले लो मुझको तुम बाहों में, फिर कहा बातों में ले लो मुझको तुम बाहों में। अब बस हुआ तू बंद कर फेंकना, पकड़ा गया देखना, करते हैं हम ये दुआ उस खुदा से, हो जाए सच तेरा सपना यार।
ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। कहाँ वो एक बड़ी फिल्म स्टार और कहाँ मैं एक मामूली आदमी। ये ख्वाब ख्वाब ही रहने वाला है। Hi Mallika, this is Riku. I mean Riku Irani from movie stars, you know. Ah, it's cool. Very nice costume. Oh, who designed it? Manish Malhotra. Manish, yeah, nice chap. Kal hi raat ko phone aaya tha. मैं काजल के साथ डिनर कर रहा था, एक इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वो क्या करूँ, पिछले चार महीने से सल्लू मेरा पीछा कर रहा है ना, कवर पेज के लिए, मीडिया पब्लिसिटी, यू नो, जिसकी सबको जरूरत पड़ती है। अब देखो, हर एक को तो शूट नहीं कर सकता ना मैं। मल्लिका, वैसे ये किस फिल्म की शूटिंग चल रही है? जी, हम आपके दिल में रह के आपसे प्यार करने लगे। इट्स गुड, आई मीन दिस इज वेरी ओरिजिनल। हाँ, अच्छा मल्लिका, एक बात बताइए, आपकी पिछली फिल्म पहली नज़र में हिट हो जाने के बाद आपने अपनी प्राइस में 2-0 और ऐड कर दिए। जी, वो सब मेरे मामा जी को पता है। ओके, इस फिल्म में आपका कैरेक्टर क्या है? वो भी मामा जी को पता है। आज और एक हीरोइन से मिला था, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, कॉन्फिडेंशियल। उसे कुछ भी पूछो, मुझे नहीं मालूम, मेरी मम्मी को पता होगा या हर बात मामा जी को पता होगी। ये मॉम, मम्मी, मामा जी, आंटी जी का दौर कब खत्म होगा? एक कॉफी ले आइए। जी, ये मेरे मामा जी हैं। ओह हाय मामा जी, दिस इज रिकू, रिकू ईरानी फ्रॉम मूवी स्टार्स, यू नो। खड़ा हो। एक्सक्यूज मी, अपॉइंटमेंट लिया था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई जस्ट ड्रॉप्ड इन, वेल नेवर माइंड, कैच अप लेटर। मम्मा जी, वो कितनी बार समझाया है, मुझसे पूछे बिना किसी से कुछ नहीं कहना। अगर ये लोग गलत छाप देंगे, इमेज तुम्हारी खराब होगी, भाग दौड़ मुझे करनी पड़ेगी ना। आइंदा ऐसा ना हो। डायरेक्टर ने कहकर बोल दिया है, सीधी घर जाओ, तैयार रहना, 10:30 बजे ओबेरॉय में फंक्शन है। अरे आ गई बेटी। हाँ काका। नहीं काका, मैं ले जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी। काका नहीं। अच्छा, आ गई महारानी, अभी टीवी पे गाना देख रही थी तुम्हारा। कौन सा? पता नहीं, गाने से ज्यादा मैं तुम्हें देख रही थी। कितना गंदा मेकअप था, उफ, जैसे चेहरे पे चौक मल रखा हो। और तुम्हारा डांस बहुत थकी हुई लग रही थी। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द घर पे बैठना पड़ेगा, काम पर ध्यान दो, समझी? मामा, मैं इन घर के नौकरों से तंग आ चुकी हूँ, कितनी देर से मैं एक टॉवल मांग रही हूँ, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। रंभा, तुम्हारे सर पर वो मेरा शूटिंग का कॉस्ट्यूम है। तो प्रोड्यूसर से कह के नया बनवा लो। अरे यहाँ के स्टार्स तो अपने प्रोड्यूसर्स के खर्चे पे पूरे खानदान के कपड़े बनवा लेते हैं, और रंभा ने तुम्हारा कॉस्ट्यूम क्या छू लिया, तुम इतना बड़ा नाटक करने लगी? और नहीं तो क्या, ये हीरोइनगिरी ना अपने सेट पर दिखाना, यहाँ नहीं, समझी? और सुन, आज रात फंक्शन 10:50 शुरू होगा, मिनिस्टर साहब लेट आ रहे हैं। इतनी देर से? लेकिन मामी जी, मेरी तो सुबह 7 बजे की शूटिंग है। तो जैसे बाकी के तो सब निठल्ले हैं, तुम्हारे लिए फंक्शन कैंसिल कर दे। अरे चार फिल्में क्या कर ली, अपने आप को बड़ी स्टार समझने लगी, बड़ी आई नखरे वाली।
कीड़े पड़े इनको, जरा भी रहम नहीं दिल में। तुम दिन भर काम करती हो और बर्ताव ऐसा करते हैं जैसे ये घर चला रहे हो। ऐसा मत कहो काका। क्यों ना कहूँ, मैं कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन दिल की फड़ास तो निकाल सकता हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर सकती। एक तरह से अच्छा ही हुआ बड़ी मालकिन हमारे बीच नहीं रही, वरना अपनी बेटी को इन शैतानों के बीच पिस्ता देखकर न जाने उन पर क्या बीत। गाड़ी तैयार रखो, फंक्शन में जाना है। हेलो, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो भाई, और मेरी गुड़िया बिल्कुल परी नहीं नहीं बिल्कुल भूता लग ले, भूता। गुड इवनिंग। अरे क्या हो गया? अरे कोई कुछ बोलेगा, क्या हो गया? आपकी लाडली भांजी के पर निकल आए हैं, एक दो फिल्में क्या चल गई, अपने आप को सुपरस्टार समझने लगी है। क्या किया उसने? पापा गलती से मैंने उसकी फ्रॉक छू ली तो उसने मुझे इतना बुरा भला कहा कि पूछे मत। इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि फंक्शन थोड़ा देर से शुरू होगा तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, शायद कुछ ज्यादा ही ढील देती मैंने उसे। सुना तुमने फंक्शन में जाने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं मामा जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि वो फंक्शन देर से शुरू होने वाला है और मेरी सुबह में शूटिंग है। तुम क्या समझती हो, कैमरे के सामने एक्टिंग कर ली, नाच लिया तो सब कुछ हो गया? इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो संभालना पड़ता है। फंक्शन में मिनिस्टर आ रहा है, कस्टम ऑफिसर आ रहा है, इनकम टैक्स कमिश्नर आ रहा है। टैक्स वालों का एक बार भेजा फिर गया ना तो मौका मिलते जेल के अंदर डालने के तुम्हें। फिर इसलिए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है ना, है ना? तैयार हो जाओ जल्दी। तुम मेरे पास क्यों नहीं हो माँ? क्या देख रहा है? हाँ? क्या देख रहा है? मैं वो चांद देख रहा है। हाँ चांद। चांद, लेकिन चांद है किधर? चांद आने वाला है। हाँ बेटे, रात भर देखता रहेगा ना फिर भी वो चांद कभी आएगा नहीं। चांद को देखना है ना तो सुबह ऑटो पकड़ के महबूब स्टूडियो में जाने का। हाँ, और एकदम नजदीक से जी भर के तेरे चांद को देखने का। लेकिन मैं महबूब स्टूडियो जाऊंगा कैसे उस्मान भाई? ऑटो में 15 रुपया होता है बेटा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अलाव कौन करेगा स्टूडियो में? वो राम सिंह है ना बेवड़ा, उसको बोल के मैं सेटिंग कर दूंगा, वो ड्राइवर को बोल के फिट कर दे। चलो अब रात बहुत हो गई, सो जाओ। रिक्शा रुको रुको रुको, रिक्शा रुको। महबूब स्टूडियो लेना। हाय। अरे तू मलिकों को देख के गाँव चले जाऊंगा बोलता था, अभी तक गया नहीं क्या? अरे लेकिन मैंने उसे अब तक देखा ही कहाँ है। देखेगा भी नहीं साला, तू कभी नहीं सुधरेगा। तेरी लाइफ में भी एक विलन आएगा ना बोनी कपूर की तरह, तब तेरे को पता चलेगा। अरे सपने कभी सच नहीं होते यार। अरे एक का भी सपना सच हो जाता तो सारा इंडिया मुंबई में आ जाता। अरे इतनी सारी हीरोइन है। हाँ ये पूजा है, करिश्मा है, रवीना है, शिल्पा है, मल्लिका है। चल मल्लिका तो तेरी है। हाँ ये मनीषा है, करिश्मा है, बेंद्रे है, सोनाली। देखने में मैं भी तो कम हैंडसम नहीं हूँ, दिखता हूँ ना एकदम साउथ इंडियन हीरो की तरह मस्त। हाँ पहले मैं मूछ रखता था फिर निकाल। क्यों? बोनी कपूर रखता है ना। हाँ। साला चमा को बहादुर। चमा क्या? चमा को बहादुर वो क्या होता है?
अरे दुनिया की सारी गालियां उसे दे डाली, इसलिए उसके लिए नई गाली मैंने ढूंढी है, चमाको भादर, सिर्फ उसके लिए। मेरी रूप की रानी को उठा के लेके गया चोरों का राजा। आ गया देख तेरा महबूब। महबूब स्टूडियो, स्टूडियो महबूब स्टूडियो। मालिका जी, मेरा नाम किट्टू है। आपके घर के सामने वाले रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा? मैं पुणे से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आपकी हर फिल्म में मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, कम से कम 10-12 बार। आपकी 2000 फोटोग्राफ है मेरे पास। 2000 फोटोज? 2000। आज तक जितने भी मैगजीन में आपकी फोटोग्राफ आए वो सब मेरे पास है। मेरे पास आपका एक बहुत बड़ा पोस्टर भी है। हाँ, लेकिन अब वो फट गया, पापा ने फाड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इसलिए घर छोड़ के यहाँ आ गया। तो तुम्हारे डैडी ने मेरा पोस्टर फाड़ दिया इसलिए तुमने घर छोड़ दिया? जी, सबके लिए तो वो एक पोस्टर ही था, लेकिन
मेरे लिए वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। उस पोस्टर को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरे साथ हो, मेरे घर में। मैं एक बात कहूँ मलिका जी, मैं वो पोस्टर से बातें करता था और ए, कौन हो तुम? जी, मामा जी, वो फैन है मेरा। तो नहीं, वो मिलने के लिए आया है। कितनी बार समझाया है अजनबी लोगों को नजदीक मत आने दिया करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? अबे देख क्या रहा है, बहुत फेंको इसे बाहर, फेंको इसे बाहर, स्टूडियो के हट। एक नंबर का बदमाश है बदमाश, उसका मामा बोलू राम। उसको देखा ना, उसका आंख देख के समझ में आ जाता है कितना कमीना होएगा वो आदमी। वो राम सिंह है ना, वॉचमैन, वो कभी कभी बेवड़ा पी के भगता है इधर। उसका बात से मेरे को एक ही बात समझ में आया, वो मासूम बच्ची के मुंह में बोले तो जुबान ही नहीं। वो मामा बोलेगा इधर शूटिंग करो, उधर शूटिंग करो, बेचारी कठपुतली की तरह नाचती है मामा की आंख के इशारे। करे क्या, बाप था नहीं, माँ गुजर गई बचपन में, ये मामा सब दबा के बैठ गया। बोलू राम, अरे मैं देखा है बेचारी 3 साल की उम्र से पिक्चर में काम कर रही है। सोचो अभी तक जो भी कमाया है, ये बंगला बनाया है, मुझे नहीं लगता उसको मालूम भी होगा कि उसका पैसा जाता है किधर। लोगों का क्या है, लोगों को लगता है वो बहुत बड़ी स्टार है, क्या वट है, क्या रोब है, लेकिन असल बात तो ये है कि बेचारी पत्थर के पिंजरे में कैद है। साइन करने से मना क्यों? मैं सच कहती हूँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुझे जरा सी छूट दी और तू सर पर बैठ गई है, मुझसे ज़बान लड़ाती है, मुझसे ज़बान लड़ाती है, मुझसे ज़बान लड़ाती है, मुझे फिर अभी समझती है। मालूम नहीं मैम, ये आपको मारा था मैम, और मुझे ये सब देखा नहीं क्या मैम? आई एम रियली सॉरी मैम। देखो तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, अगर ये उठ गए ना तो तुम्हें मार डालेंगे। मगर आप मैम, आप मुझे भी मार डालेंगे, तो फिर आपको यहाँ से चलना चाहिए ना मैम। मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ इन लोगों से दूर? आप यहाँ रहेंगी तो ये लोग आपको मार डालेंगे। मैम मैम, ये होश में आ रहा है, जल्दी चले मेरे साथ प्लीज, जल्दी चले। आइए मैम, आइए जल्दी कीजिए मैम, ये सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए प्लीज, आइए मेरे साथ मैम। ये उठ रहा है, चलिए, ये उठ रहा है मैम, जल्दी कीजिए मैम, जल्दी प्लीज मैम। मुझे लगता है कि वो यहाँ से आया होगा, आपका क्या ख्याल है? वो शैतान किधर से आया, मुझे होश कहाँ, बस वो कमीना आया और मेरी फूल सी बच्ची को उठा के ले गया। काश मेरे पास बंदूक होती
तो मैं उसे गोली से उड़ा देता। मुझे फांसी की परवाह नहीं है। अरे कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी मेरी बच्ची? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। उसका मासूम चेहरा याद आता है तो हलक से पानी ही नहीं उतरता है। हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या तो उसकी आवाज सुना ले। क्या वाकई आपने उस मारने वाले को नहीं देखा? नहीं, बस उसने यहाँ मारा और मैं बेहोश हो गया। बस एक ही आवाज सुनाई देती रही, पापा मुझे बचा लो। अच्छा, आपका कोई बिजनेस राइवल है? बिजनेस कैसा, हम कोई टाटा बिरला थोड़ी है, हम तो कलाकार हैं, पब्लिक को हंसी खुशी देते हैं। लेकिन आज मेरी आंखों में आंसू देती है ऐसी पब्लिक में से किसी ने। कोई फोन कॉल? सुबह से 150 आ चुके हैं, पूरी इंडस्ट्री पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा मतलब है कोई एक्सटॉर्शन के लिए फोन आया आपको? इसका जवाब मैं टीवी में देता हूँ। तुम जो भी हो, मेरी जमीन जायदाद सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी सांसें लौटा दो। डीसीपी साहब, अगर 24 घंटे के अंदर अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं आत्मदाह कर लूंगा पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, आत्मदाह कर लूंगा, और इसकी जिम्मेदारी होगी पुलिस की। कौन है? बंद कर दरवाजा, बंद कर। हाँ, ले आया? हाँ, दरवाजे पे रहना तू। ये ले बेटे, ये ले कुछ पैसे हैं, इसमें बुरखा है, इनको पहना के फटाफट दरवाजे से निकल जा। दरवाजे से उस्मान भाई? अरे बेटा, ये तो बुरखे में होगी, तुझे कोई पहचानता नहीं, समझ गया ना? लेकिन भागना नहीं, समझ में आया ना? चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अरे बोलना बंद है, रोज साल होटल में एक भी कस्टमर नहीं आते और आज कस्टमर लोग का लाइन लग गया है। कौन है? पुलिस। चुपचाप दरवाजा, वो पुलिस है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? सुनाई नहीं दिया साहब, आप तीसरी बार ठोका ना तभी सुनाई दिया। आज काफे बंद है। क्यों? वो मैं रोज चालू रखता हूँ इसलिए आज बंद है। क्या काम है साहब, कुछ खाएंगे? सादा मसाला मैसूर डोसा इडली ओनियन क्या लीजिएगा साहब? चाय पियेंगे? कड़क मीठी शक्कर? चाय नहीं पीता मैं। अच्छा तो कॉफी पियेंगे? एकदम फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। कॉफी भी नहीं पीता। अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक साहब। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? खड़ा रहे। तेरी ये हिम्मत? क्या कहा? नहीं नहीं साहब, कीड़ा है कीड़ा, बदतमीज सांप को काटता है। एकदम अच्छा है, लीजिए ना साहब। राजू के बंगले में क्या हुआ जानते हो तुम? हाँ, बहुत बुरा हुआ, कितनी मासूम बच्ची थी। साहब गाठिया लो ना, मस्त है। ए साहब, गाठिया खाएगा क्या? साहब बहुत दुख हुआ सुनकर। अच्छा ये बताओ, हाँ, मल्लिका को तुमने आखिरी बार कब देखा? मैंने मल्लिका को आखिरी बार चिड़ियाघर में देखा। चिड़ियाघर? उसकी पिक्चर आई थी ना चिड़ियाघर, कितना अच्छा काम किया था साहब। इस एरिया में कोई नया आदमी दिखा आते जाते? नया आदमी बस आपको ही देखा साहब। और किसी को देखा? नहीं, और किसी को नहीं देखा साहब। इधर तो क्या है, हम लोग गल्ले को देखते हैं ना, आदमी थोड़ी देखता है। ए क्या करता है? ये लोग नुकसान कर देता है साहब, समझाओ ना साहब। निकल जाओ, बाहर निकल जा साहब। आप बैठिए ना, चलते रहेंगे तो थक जाएंगे साहब। साहब कहाँ जा रहे हैं साहब? साहब केक, आज मेरा बर्थडे साहब, हैप्पी बर्थडे साहब। आज से बर्थडे, आज से बर्थडे साहब। बैठिए ना साहब, बैठिए ना, आज से बर्थडे साहब। वहाँ कहाँ जा रहे हैं साहब? सब मेरा कसूर है साहब, इनका कोई कसूर नहीं है साहब, सब मेरा कसूर है साहब। इन मेरा कसूर है साहब, मैं यहाँ का मालिक है और इतना सब गंदा पड़ा है। हाँ, ये लोग, ये बच्चे लोग सब काम वाम छोड़ के भाग गए, शर्म नहीं आती है? इतना सब गंदा पड़ा है, साहब को कैसा लगेगा? अबे हीरो तू? ओ हाय। कहाँ जा रहा है? स्टूडियो मलिका की शूटिंग देखने? नहीं, वो स्टेशन जा रहा था। क्यों, घर वापस जा रहा है क्या?
हाँ हाँ। क्यों, मल्लिका को देखने का शौक खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे वैसे तुझे तेरी ये मल्लिका मिली या नहीं? हाँ मिली ना। जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था ना, तो किसी ऑटो वाले ने, अबे हीरो भाभी जी से पहचान नहीं करवाएगा क्या? भाभी जी नहीं नहीं, ये मेरी भाभी नहीं है। अबे ट्यूबलाइट, भाभी मतलब मेरी भाभी तेरी बीवी। अरे लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। बीवी नहीं है तो बहन होगी। सॉरी बहन जी, सॉरी बोल। अरे ये तो मल्लिका है भैया। क्या बोला? मल्लिका? नहीं नहीं, ये मेरा मतलब है मेहरुनिसा। हाँ मेहरु। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव लेके जा रहा है माँ बाप से मिलाने? हाँ हाँ। लाइफ में यही होता है दोस्त, ख्वाब देखा मल्लिका का और मिल गई मेहरुनिसा। नहीं यानी यहाँ खाली है। पता है मैं सोच रही क्या बात? नहीं आपको कोई देख लेगा ना। आप कुछ कह रहे थे? मैं पता है मैं सोच रही थी अगर रिक्शा वाले को पता चल जाता कि रिक्शा में वाकई मल्लिका बैठी है वो तो बेहोश हो जाता। अरे वो तो क्या, कोई भी बेहोश हो जाता। अब आप मेरे सामने बैठी है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ है। सच कहूँ मल्लिका जी, मेरी जिंदगी में एक ही तमन्ना थी, आपको सिर्फ एक बार देख लूँ, सिर्फ एक बार। और आज आप खुद मेरे साथ मेरे घर चल रही है, मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। हाँ किटू, सचमुच सब कुछ जैसे एक सपना ही लग रहा है। कल तक तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी और आज यहाँ मैं तुम्हारे साथ। ये फिल्म की कहानी जैसे लग रही है ना? हाँ बिल्कुल। और फिल्म की कहानी में कैसे एक ट्विस्ट आ जाता है। हाँ? बस मेरी भी जिंदगी में एक ऐसे एक ट्विस्ट आ गया है और मेरी एकदम रुकी रुकी सी जिंदगी एकदम छट से चल पड़ी है। सचमुच।
जादू यहाँ ऐसा हो जाए, ये पल यही आज रुक जाए। तुम ऐसे ऐसे घर छोड़ के चले गए? मतलब आप इतने दिनों तक अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सोचा? और निकी उस इन पे क्या बीती होगी? और कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माँ कितनी फिक्र से जाने भी दीजिए ना, और छोटी सी बात पे तुम घर छोड़ के चले जाते हो? अब जाने भी दीजिए ना, आ गए ना वापस। पापा, I'm sorry। नहीं बेटा, नहीं बेटा, I am sorry। पापा, बेटा, 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 तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? तुम्हारे सारे पोस्टर्स मैंने वापस लगा दिए। ये खिड़की ऐसे कैसे? ये ऐसे थी नहीं, अब हो गई है। मतलब? वो क्या है ना, जब मैं किसी फिल्म के नाइट शो में जाता था ना, तो मम्मी डैडी को बोलता था कि मैं सो रहा हूँ, और मैं यहीं से निकल जाता था। आइए। क्या हुआ? गर्म पानी लाई हूँ बेटा तुम्हारे लिए। मॉम आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, इतने दिनों के बाद घर आए हो, आज तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा। अरे मॉम प्लीज, आप रहने दीजिए। मॉम मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मॉम प्लीज, नहीं छोड़ो मुझे, हटो। मॉम प्लीज, ये जरा बाल्टी मुझे दीजिए, मैं ना लूंगा। प्लीज मॉम, सच? यस मॉम प्लीज, थैंक्स, आई लव यू मॉम, थैंक्स सो मच मॉम। क्या मैं इस पानी से नहा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। Oh my God, हाँ? पर मेरे पास तो चेंज करने के लिए कपड़े ही नहीं है। ओह, हाँ मैं निकी के लिए आता हूँ। निकी? मेरी बहन। ओके। मैं अभी आया, एक मिनट। ओके। निशा, तुझे पता है भैया आ गए? अरे मैं तुझे झूठ बोलूंगी क्या?
तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना तो खुद ही बात कर लेना, ठीक है? एक मिनट। अरे रूम में होगे और कहाँ होगे? एक मिनट अच्छा देती हूँ बाबा, देती हूँ एक मिनट। लगता है भैया बाथरूम में। भैया भैया निशा का फोन है, भैया फोन, भैया भैया फोन है निशा का। मैं हूँ मैं, वो निकी। तुम्हारे लिए निशा का फोन आया था। फिर मैंने टॉवल से हाथ कवर कर लिया और फोन ले लिया। लेकिन निशा, मैंने फोन बंद कर दिया। अच्छा ये लो कपड़े। पुलिस भी हाथ पर हाथ रखे बैठी नहीं रहेगी। मलिका, फिल्म स्टार मलिका का अपहरण हुआ है, 2 दिन में पकड़े जाएंगे शारदा, 2 दिन के अंदर पकड़े जाएंगे, देखना। अच्छा भैया बताओ ना, बॉम्बे में कौन कौन से फिल्म स्टार को देखा था? अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान, गोविंदा और विनय आनंद। विनय आनंद? विनय आनंद नहीं, विजय आनंद। नहीं नहीं पापा, विनय आनंद वो गोविंदा का भांजा है ना। गोविंदा का भांजा? हाँ वही। नाम सुना है, कौन है ये? क्या मालूम, नया है। अच्छा भैया और किस किस को देखा? रेखा को देखा। पानी लीजिए, रेखा का नाम सुनते हालांकि नीचे से खाना भी नहीं उतरता इनके। अजी, मेरे गले में थोड़ा खाना अटक गया था इसलिए। वैसे कैसी लगती है अब रेखा? लो किट्टू बता दो इनको कैसी लगती है रेखा। अरे भाई मैं फिल्म के बारे में पूछ रहा था, उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं पूछ रहा था वो फिल्म में कैसे लगती। जाने दो जाने दो, रेखा का नाम सुनते अभी भी नींबू जैसी आके खड़ी हो जाती है। क्या बात करती हो शारदा, बच्चों के सामने? पापा बहुत सुंदर लगती है वो। तुमको बताओ इन्होंने कॉलेज में क्या किया? क्या 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 क्या? रेखा को अपने खुद से खत लिखा था। क्या बात करती हो शारदा, व्हाट नॉनसेंस। वाह जवाब आया था। तू अपना खाना खा। खून से नहीं लेकिन एक तो बार लिखा तो था। मलिका, मलिका सॉरी थोड़ा लेट हो गया। मम्मी खाने में हमेशा थोड़ा ज्यादा ही स्वीट डाल देती है, शायद आपको पसंद आए। तुम कितने किस्मत वाले हो किटू। क्यों? तुम लोग जब खाना खा रहे थे ना तब मैं ऐसे चुपके से तुम सबको देख रही थी। पता है मुझे तो पता ही नहीं था कि परिवार ऐसा होता है। ऐसा लगा कि काश मेरा भी ऐसा एक परिवार होता। और आज जब तुम्हारी माँ को देखा तो अपनी मम्मी की इतनी याद आई मुझे, और फिर तुम्हारी बहन, मुझे पता नहीं था कि ऐसे पल भी होते हैं अपनी फैमिली के साथ, इतने मीठे इतने प्यार भरे पल। बहुत अच्छा लगा आज कितने दिनों के बाद ऐसा लगा कि मुझे फिर से कोई मिल गया जिसे मैं अपना कह सकूं। एनीवे राइस लाओ राइस, इतना बहुत हो गया मेरे लिए। ये लीजिए, रात को सर्दी लगे तो ओढ़ लेना। मुझे पता है किटू, ऐसी बात नहीं है कि मैं पहली बार सो रही हूँ। क्या कर रहे हो, सब ठीक है? अच्छा सुनो जी, तुम कहाँ सोओगे? मैं तो यहाँ सो जाऊंगा। यहाँ नीचे जमीन पर? अरे नहीं नहीं, मैं तो इस बेड की बात कर रहा था, यहाँ तो सब अरेंजमेंट है। आपको कुछ और चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर एक काम कर सकते हो जी, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। दिनों के बाद ऐसा लगा कि मुझे फिर से कोई मिल गया जिसे मैं अपना कह सकूं। इसका मतलब ये तो नहीं कहीं वो भी मुझसे? नहीं नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लेकिन उसका मतलब तो यही है, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेली रही है इसलिए बस साथ की बात कर रही है। पर ऐसे ही थोड़ी ना कहेगी, कुछ तो होगा उसके मन में, शायद शायद वो मुझसे प्यार करने लगी है। नहीं नहीं, प्यार और मुझसे, अरे यार वो मलिका है, मलिका, और मैं सिर्फ किट हूँ। काश काश कभी तो वो दिन आएगा जब वो भी मुझसे उतना ही प्यार करेगी जितना मैं उससे करता हूँ। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो यार, जल्दी उठो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी उठो उठो, चलो बाथरूम बाथरूम, चलिए
चली चली चली। अरे हाँ बाबा आया। निशा हाँ अरे कहाँ थे तुम? अरे क्या हुआ? अरे अरे मारो मत निशा, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे वे वो यू मुझे बता के नहीं गए मुझे? अरे अरे निशा मैं बोलने वाला था, मैं तुम्हें फोन भी किया निशा। अरे अपने आप को समझते क्या हो? अरे लेकिन निशा मेरी बात तो सुनो, मेरी मैं तुम्हें सब सब कुछ बोल दूंगा, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बता, बगैर चले गए और पूछते हो क्या? मारो मत, मेरी बात सुनो। एक सेकंड ये लाओ, एक सेकंड। अरे अरे एक सेकंड। अरे बाप रे। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ दो मिनट, मैं अभी मुंह हाथ धो लूं। नो अभी तो उठाओ भाई, सिर्फ एक सेकंड प्लीज निशा, प्लीज 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 प्लीज। ओके बाय। मालिका ये निशा है? हाँ यही निशा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। पागल है थोड़ी लेकिन। अच्छा मालिका सुनो, मैं अभी आता हूँ दो मिनट में, निशा से दो चार बातें करके आता हूँ, नहीं तो वो कुछ गड़बड़ कर देगी। ओके तुम्हारा भाई बुद्धू है या पागल, पता नहीं क्या करता रहता है। निशा क्या एक बात पूछूं? पूछ। एक सुई कुएं के अंदर गिर गई, क्या बोलेगी तो वापस आ जाएगी? क्या क्या बोलेगी तो वापस आ जाएगी? क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है? बोलेगी तो वापस आ जाएगी। देख निकी, निकी देख बोलेगी तो वापस आ जाएगी। अरे अरे बोलेगी तो ये क्या कर रही हो तुम दोनों? ये कोई कूदने की जगह है? चलो नीचे आओ। सिली गर्ल्स, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है आज? जा ही रही थी अंकल। तो जाओ, कम ऑन। कॉल मी शारदा। जी शारदा मैं बाहर जा रहा हूँ। निकी निकी क्या हुआ? भैया मैं वो फोन लेने आई थी। फोन फोन हाँ मैं ले आता। किट्टू बेटा। हाँ इधर आओ किट्टू। जी पापा। आज टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग है, आज हमारे प्रिंसिपल भी आने वाले हैं। हमारा अटेंडेंस तो बहुत बुरा है लेकिन मेरी बात सुनो निकी, मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ बोल दूंगा। प्लीज निकी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सब समझाता हूँ। सिर्फ दो मिनट, मैं तुम्हें सब कुछ बोल दूंगा। प्लीज तुम समझ रहा निकी? तुम समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा निकी? ये मल्लिका ही है ना भैया? देखो निकी, देखो मल्लिका, मुंबई में मल्लिका का एक मामा है जो इसके साथ रहता है, और हाय मॉम। मॉम क्या तुम्हारे बेटे ने कभी किसी का दिल दुखाया? मॉम नहीं तो। या फिर मैंने कभी कोई गलत काम किया है? मॉम नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछते हो? वो क्या है ना मॉम, तूने वो पेपर में मलिका के बारे में तो पढ़ा होगा कि उसका किडनैप वगैरह हुआ है। हाँ क्या है ना मॉम, असल में मलिका का किडनैप नहीं हुआ है। मॉम नहीं हुआ? नहीं। लेकिन तुमको ये सब कैसे मालूम? वो क्या है ना मॉम, वो मलिका क्या
मॉम, मालिका मेरे पास है मॉम। पोस्टर? नहीं मॉम, मैं पोस्टर की बात नहीं कर रहा हूं। मालिका बाहर आओ। मॉम, मॉम ये है मालिका, मालिका मेरी माँ। नमस्ते। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पापा को इस बात की जरा भी भनक लग जाएगी ना तो वो ना तुम्हारी सुनेंगे ना मेरी सुनेंगे, सीधे पुलिस में चले जाएंगे। मॉम मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करता? अगर मैं मलिका को बॉम्बे में छोड़ाता तो उसका मामा उसको मार डालता मॉम। और ये नहीं कि मैं उसे जबरदस्तियां ले आया हूँ, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है। माँ भैया सही कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूँ? मॉम आप पापा की फिक्र मत कीजिए, हम पापा को संभाल लेंगे, प्लीज मॉम। ये रहेगी कहाँ? मेरे रूम में। हाँ हम सब इतने दिन साथ रहेंगे, तुम्हारे पापा को जरा भी खबर नहीं होगी इस बात की? मॉम हम सब संभालेंगे, मैं और निकी है ना, प्लीज मॉम। हाँ, सिर्फ एक बार आप हाँ कह दो, प्लीज मॉम। प्लीज मॉम मैं तुम्हारे पापा को झूठ नहीं बोल सकती। मम्मी प्लीज। मॉम मेरे लिए भी नहीं, तुम तो जानते हो ना मॉम मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा ना मॉम, आखिर ये मलिका की जिंदगी का सवाल है मॉम। किट्टू नहीं किट्टू, शायद तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। माँ जी उन सारे हालात में जब मैं किट्टू के साथ भाग के आई थी ना तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से आप सब लोगों को इतनी तकलीफ हो सकती है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं किट्टू तुम मुझे वापस छोड़ दो, चलो। नहीं बेटा तुम यही रहो, हम देख लेंगे आगे क्या करना है। मॉम यस एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब क्या है? वो आप एक केक बना सकते हो? केक? हाँ क्योंकि कल 21 दिसंबर है ना, तो हर साल 21 दिसंबर पर मैं क्या करता हूँ? क्या करते हो? मल्लिका का बर्थडे सेलिब्रेट करता है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मल्लिका। और मुझे मैंने उसके सर पर फ्लावर वास मारा और वो सीधे जमीन पर गिरकर बेहोश। फिर हम दोनों वहां से भागे, ट्रेन पकड़ी और इस तरह मैं उसे यहाँ ले आया। कि तुम पागलपन की भी एक हद होती है, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? Are you crazy or what? लेकिन निशा मैं क्या करता, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा। लेकिन और... भैया मल्लिका यहाँ कब तक रहेगी? कब तक? कहीं उसे यहाँ हमेशा रखने का इरादा तो नहीं है ना भैया? काश ऐसा हो सकता निकी, पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ प्यार, तुम लोग तो जानते हो जब से मैंने पहली बार उसकी फिल्म हसीन देखी ना मैं तो उसके पीछे पागल हो गया। लेकिन मल्लिका तो एक ख्वाब है जो ख्वाब ही रहेगा, एक ना एक दिन तो वो जाने ही वाली है, पर मैं उसकी तस्वीर के साथ हमेशा प्यार करता रहूंगा। प्यार? हाँ क्या बातें हो रही है मल्लिका? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये लोग तो हम लोग तो ऐसे भैया तो बस ऐसे ही प्यार की बातें कर रहे हैं। नहीं मल्लिका तुम लोगों की बातों में मत आओ, ये लोग तो मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना। अच्छा मजाक, क्या कहते प्यार के बारे में? प्यार ख्वाब है, कभी हकीकत नहीं बन सकता वगैरह वगैरह, भूल गए भूल गए। अच्छा मल्लिका जी
कुछ बताए प्यार के बारे में? हाँ मलिका तुम बताओ ना। हाँ हाँ मैं मुझे प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे आपने इतनी सारी रोमांटिक फिल्में की है, कुछ तो पता होगा आपको। हाँ की तो है, लेकिन वो सब तो झूठ मूठ का होता है। जो भी हमें बोलने के लिए करने के लिए कहा जाता है हम बस वैसा ही करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। ओके निकी तुम बताओ। हाँ तुम बताओ ना, बहुत बोल रही थी ना, बताओ बताओ। हाँ हाँ तो मैं बोलती तो मुझे बोलना भी आता है। प्यार प्यार में है ना, प्यार में रोज मिलने का दिल करता है, रोज फोन करने का दिल करता है, और कोई बहुत खास लगने लगता है। हम आइसक्रीम खाते तो कैसा लगता है, बस कुछ ऐसा ही फील होता है। और जिंदगी को एक नया मतलब मिल जाता है। दीवानों के जैसा कोई तो बता दे हुआ क्या है, क्या यही वो प्यार है ये जो मुझे हो गया। सुना था देखा न था समझा न था जाना न था। मैं चलता हूँ रुकता हूँ फिर सोचता हूँ, समा कैसा जादू जगाता है। अगर मस्त हूँ मैं तो मस्ती ये क्या है, मेरे साथ ये सिलसिला क्या है, क्या यही वो प्यार है ये जो मुझे हो गया। सुना था देखा न था समझा न था जाना न था। सुना था देखा न था समझा ना था जाना न था। अरे क्या यही वो प्यार है ये जो मुझे हो गया। ला 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 अरे वाह सब नाच रहे हो गा रहे हो किस खुशी में, हमें भी बताओ। वो कुछ नहीं पापा, हम लोग बहुत खुश थे ना तो नाच गाना। अच्छा, अब सब लोग इकट्ठे होकर ये तो अंकल ये मेरे दोस्त है। अच्छा, प्रिया स्मिता 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 हेलो बेटा
हेलो ओह स्मिता बाय अंकल स्मिता चलते चलते बाय अंकल ओके बाय 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 ये वही जो प्यार है वो हमें भी हो गया कोई नहीं है कम दिस इज माय हाउस कम आई शो यू माय रूम कम एंड दिस इज माय रूम लास्ट बर्थडे पे दी थी किट्टू ने पता है इसके लिए एक महीने तक पैसे बचाता रहा वो अच्छे ना नाइस I love him so much. Nisha! Nisha! Hey! Oh God! Oh my God, it's so scary! Oh my God, it's so scary! पापा को पता चल जाता तो हम लोग तो मर गए होते हाँ हेलो नानकी क्या कब क्या हुआ मैं भी आ रहा हूं क्या हुआ पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई हाँ देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करो मेरे पास पक्की खबर है कि फिल्म स्टार मालिका तुम्हारे घर में देखी गई थी फिल्म स्टार मालिका एसीपी साहब आप पागल तो नहीं हो गए मेरे घर में फिल्म स्टार मालिका कैसे आएगी देखो बनने की कोशिश मत करो सीधी तरह बता दो कि मालिका कहां है एसीपी साहब आपको गलतफहमी हुई है ना तो मेरे घर में कोई मालिका है और ना ही मैंने उसे अगवा किया है लगता है ये सीधी तरह नहीं मानेगा टेढ़ी उंगली से घी निकालना ही पड़ेगा क्या देखिए देखिए एसीपी साहब आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ साहब यही है किट्टू कौन किट्टू इनका बेटा अच्छा तो तू है किट्टू जी बच्चे बता तूने मल्लिका को कहाँ छुपाया है मल्लिका कौन मालिका अब सीधी तरह से बताओ कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमारे घर में कोई मालिका फिल्म स्टार नहीं है और मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता तू बता मेरी मालिका कहां है बता मेरी मालिका कहां है मैं तेरा निकाल दूंगा खबरदार खबरदार अगर मेरे बेटे पे हाथ उठाया अच्छा तो तू ही है इसका बाप तुझे भी दो झापड़ पड़ने चाहिए ऐसी नालायक औलाद पैदा करने के लिए खबरदार जो ऐसे बात की मेरे पापा से समझा ये उंगली दिखाता है मुझे उंगली दिखाता है मेरे बेटे पे हाथ उठाया ये गलत है छोड़ छोड़ इधर आओ पोलेराम इधर आओ चलो तुम जाओ यहाँ से बाहर लेकिन इसे छोड़ना नहीं मैं ये जानता है मल्लिका कहाँ है मैं सब जानता हूँ मुझे मेरा काम कर दो चलो निकलो यहाँ से चलो बैठो तुम लेकिन बैठो बैठो छोकरे मुझे सीधी तरह बता दे कि मल्लिका कहाँ है वरना इतना मारूंगा कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी एसीपी साहब सर मैं सच कह रहा हूँ सर मुझे मल्लिका के बारे में कुछ नहीं पता प्लीज बिलीव मी सर मम्मी
ये लोग भैया को मार तो नहीं रहे ना? मारेंगे क्यों, वो लोग तो सिर्फ पूछताछ करेंगे ना। मम्मी मैंने सुना है कि पूछताछ करने के वक्त ये लोग मारते भी हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर भैया अब तक आए क्यों नहीं? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं देखो डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो, चुप, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाएगा, बस उन्हें बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चुप रहो। मल्लिका जी आ गई। कहाँ है वो? आपके कमरे में बैठाया है। जी नमस्ते। मल्लिका कहाँ है? मल्लिका भगवान तूने मेरी सुन ली, मेरी बच्ची मुझे लौटा दी। तू ठीक तो है ना मल्लिका? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? उस लड़की ने मुझे बहुत जोर से मारा था, नहीं तो मैं तुझे बचा लेता। ऐसी बेसाब, उस लड़के का मार मार के भुर्ता बना दो, अपनी टांगों पर चल लेना पाए जिंदगी भर। मैं खुद आई जी से बात करूंगा, उस लड़के को इतना मारो, मारो। दरअसल दरअसल किटू बिल्कुल निर्दोष है, असली कसूरवार मेरे मामा जी हैं। ये क्या कह रही है? तुम होश में तो है? घर चल फिर तुझे बताता हूँ मैं। मिस्टर पोलूराम अब आप चुप रहिए। मल्लिका जी मैं कुछ समझा नहीं। एसीपी साहब मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। एसीपी साहब मैं इनसे बचने के लिए उसके साथ भाग गई थी। इनसे बचने के लिए उस लड़के ने मेरी मदद की है, उसने मेरी बहुत मदद की है। उसे छोड़ दीजिए आप, प्लीज छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल निर्दोष है। आप लोग जा सकते हैं। बोलूराम आज के बाद अगर मल्लिका के इर्द गिर्द 37 मील के दायरे तक भी कहीं नजर आया ना तो इतना मारूंगा कि स्ट्रेचर की बजाय तुझे तसले में लेकर जाना पड़ेगा। मालिका, मालिका, मुबारक हो किट्टू, तुम तो सही में हीरो निकले। वैसे मल्लिका ने जाते वक्त तुम्हें थैंक यू कहने को कहा और साथ ही साथ ये भी कहा है कि तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए वो तुम्हारे शुक्रगुजार है। किट्टू, किट्टू कहाँ जा रहे हो? किट्टू वापस आओ, किट्टू। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ किट्टू, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? हाँ चलो। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। भैया हम जानते हैं कि आप पर क्या बीत रही है, मगर ऐसे चुप बैठने से क्या होगा? तुम्हें क्या करने की? हाँ क्या उम्मीद करते हो तुम उससे, क्या उम्मीद करते हो? हाँ हम सब जानते हो और तुम भी जानते हो कि एक ने एक दिन उसे जाना ही था, उसका काम हो गया।
किट्टू उसका काम हो गया और वो चली गई। मैं ही जानता हूँ निशा, लेकिन बिना बताए वो ऐसी चली गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। भैया आप क्यों नहीं समझ रहे, ये सारे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। ये बड़ापन छोटेपन का क्या लेना देना निकी, ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन उनके समझ में आता है ना। देखो तुम लोग उसके बारे में जो भी समझो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, ओके? और मैं उसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे पूछ सकूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ओके? सिर्फ एक बार। Got it, very nice, राकेश। Yes, sir. Action, जल्दी। आया सर, ये लीजिए सर। ये वो तीसरा वाला कॉल है। ये ना? नो सर, वो क्लाइमेक्स वाला था। अरे सोफे लगा दे। हाय, कैसे हैं आप लोग, कब आए? बस अभी आए। बैठिए ना किशोर, चेस लाना जल्दी। क्या लेंगे आप लोग? जी कुछ नहीं। चाय कॉफी या कुछ ठंडा मंगाओ? जी नहीं। अरे कुछ तो लो। कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। राकेश अगला सीन लाना। मैम दिस इज द सीन, आप उसे इन लोगों को छोड़कर वापस आ गई है। He feels guilty और आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, बार बार फोन करता है और फाइनली अब रिंग बजती है। यू टेक द कॉल विदाउट नोइंग ये ही। जैसे ही आप उसकी आवाज़ सुनती हैं, बिफोर यू कुड से एनीथिंग, फोन गेट्स डिसकनेक्टेड। आप ऊपर देखती हैं, मिलन खड़ा है। सीन एंड मैम। और कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? जी आज चले जाएंगे। अच्छा मल्लिका जी, स्लाइट चेंज, तुम हीरो के घर से वापस आ गई, वो तुम्हें फोन करता है एंड यू फर्मली रिप्लाइंग बैक। ओके तुम सीन पढ़ लो। ओके शॉट लेते। चलो चलते हैं। अरे तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ और भी कहीं जाना है। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो मैं बाहर तक छोड़ने आती हूँ। बाय निकी। निशा तुम्हारी और किट्टू की शादी पर मुझे जरूर बुलाना। बाय किट्टू। गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी मलिका जी, कहाँ है मलिका जी? उस तरफ मेकअप रूम में। बात क्या है मालिका? कुछ नहीं, कुछ भी। लेकिन तुम रो क्यों रही हो मालिका? किट्टू तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे जाना है। मालिका जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें जाना नहीं दूंगा। किट्टू प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। किट्टू मेरा हाथ छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने किया क्या है मालिका? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है किट्टू, किसी का भी कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। सोचती हूँ ये सब कुछ हमेशा मेरे साथ क्यों होता है। पता है किट्टू,
बचपन में मेरी माँ गुजर गई, उसके पास से आज तक सिर्फ काम करती आ रही हूँ मैं, अपने मामा जी उनका परिवार बस सबको सहती आ रही हूँ। और फिर अचानक अचानक एक दिन तुम मिल गए किट्टू, जिंदगी का जैसे मतलब ही बदल गया। माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने आप को इतना आजाद, इतना खुश महसूस कर रही थी मैं। और फिर न जाने कब मैं तुमसे प्यार करने लग गई किट्टू। फिर वहां भी पता चला कि तुम तो पहले ही किसी और के हो। और निशा बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार भी करती है, और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, मेरे साथ क्यों। किट्टू आज के बाद तुम उसे कभी मत मिलने आना, मुझसे कभी मत मिलने आना किट्टू, क्योंकि मैं नहीं सह पाऊंगी, मैं नहीं सह पाऊंगी किट्टू, मैं नहीं सह पाऊंगी। वासु सब सेट है ना उधर? मल्लिका लेट्स टेक दिस शॉट। निशा मालिका से तुमने कुछ कहा क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल क्या मतलब किट्टू? निशा मालिका ने तुम्हारी सारी बातों को सच मान लिया। मैं समझ नहीं रही किट्टू। अरे क्या नहीं समझे, मालिका समझे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन ये सच है ना किट्टू? मजाक बंद करो निशा, तुम लोग तो जानते हो कि मैं मालिका से कितना प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन हमें सच कह रहा, वो भी मुझसे प्यार करती है, उसी ने मुझे बताया। और मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे प्यार कर सकती है, वो मेरी हो सकती है। और इसकी एक बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। मलिका ये समझती कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं, और वो इसलिए बीच में नहीं आना चाहती। अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं, उसे कैसे समझाऊं कि मैं और निशा सिर्फ दोस्त है, और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, निशा से नहीं। वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं? निशा, मलिका, मलिका तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं जानती हूँ मैंने कहा था कि मैं किट्टू से प्यार करती हूँ। हाँ मलिका, मैं किट्टू से प्यार करती हूँ, लेकिन मलिका सिर्फ एक दोस्त की तरह। किट्टू और मैं बचपन के दोस्त हैं, इस नाते हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जिस तरह का प्यार तुम समझती हो, 24 घंटे किट्टू सिर्फ मलिका 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 करता रहता है। अरे कौन पागल लड़की है जो इससे प्यार करेगी? हाँ किट्टू आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत चाहता है, मैं उसकी दोस्त हूँ, मेरे सिवा शायद और कोई ही नहीं जानता। और जबकि मैं जानती हूँ तो मैं उसे कैसे प्यार करूंगी? हाँ किट्टू सिर्फ तुम्हारा है मलिका, सिर्फ तुम्हारा। जानी मानी फिल्म स्टार मल्लिका की शादी पूना के कॉलेज स्टूडेंट कृष्णकांत के साथ होने वाली है। ये खबर सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है। कृष्णकांत ना कोई करोड़पति है, ना ही किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, वो सिर्फ उनके एक बहुत बड़े फैन हैं। मैं देव नायर, जी न्यूज की ओर से। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई संस्कृति सचिव श्री आर बी अय्यर कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल की ऐसे क्या देख रही हो? सैयद रोशन यार, दोनों पक्ष हमें दोस्ताना तालिबान बताने के लिए सहमति का रास्ता तलाश करेंगे। संस्कृति से जुड़े लोगों के आसान आवाजाही के लिए वीजा की समस्या। अश्विनी की I'm not okay. अब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ये पूछोगी कि ऐसा मैंने क्यों किया।
पढ़ने की हर इंसान का एक सपना होता है, एक मंजिल होती है जिसे वो पाना चाहता है। और किट्टू की मंजिल हमेशा ही मलिका रही है, वो हमेशा से ही मलिका को चाहता था। हम ही पागल थे जो कभी इसे सीरियसली नहीं लिया, बस हंसी मजाक में उड़ा देते थे। और कोई लड़की होती तो शायद मैं कुछ करती, आई वुड नॉट गिवन अप सो इजीली, यू नो। लेकिन निकी, मलिका के साथ कैसे कम्पीट कर सकती हूँ? यानी तू, आई स्टिल लव हिम, ओके? निशु, उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा कोई बात नहीं। उन जुल्फों की छाओ में, उन गहरी निगाहों में, उन कातिल लताओं में हुआ 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 मैं मस्त। हे मस्त, हे मस्त, मैं मस्त। उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा कोई बात नहीं। जुल्फों की छाओ में, उन गहरी निगाहों में, उन कातिल लताओं में हुआ 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 मैं मस्त। हे मस्त, हे मस्त, मैं मस्त। नशा मैं क्या कहूँ, हर लम्हा मैं मस्त हूँ। वो दौड़े है नस नस में, वो दौड़े है रग रग में, अब कुछ ना मेरे बस में, हुआ 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 मैं मस्त। मैं मस्त, ए मस्त, मैं मस्त। उसके सिवा कुछ याद नहीं, उसके सिवा।